अचलेरा के गांव मंगुरा में आज रात को अज्ञात बदमाशों ने एक अधेड़ की गला रेत कर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्यवाही भी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार गांव मनोरा निवासी 55 वर्षीय ओमवीर पुत्र बाबू सिंह का शव गांव की ही नहर के पास देखा गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा अचनेरा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही अचनेरा पुलिस क्षेत्राधिकारी महेश कुमार, जिले के कप्तान मुनिराज मौके पर घटनास्थल पहुंचे। अधिकारियों ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड की टीम भी जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार मृतक की हत्या गला रेत कर की गई है। वहीं इस मामले में एसपी देहात ने क्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर दी है। थाना अचनेरा में एक मगौरा गांव में एक डेड बॉडी की सूचना 112 के माध्यम से सूचना मिली थी। तुरंत सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे, सीईओ एसपी, हम स्वयं मौके पर आया। वो डेड बॉडी खेत में दिखाई पड़ा, वहाँ पे उसका गर्दन में निशान दिखाई पड़े, 60 फीट जो अपार्टमेंट का गर्दन काटा है और उसका मोबाइल भी कुछ दूर पर मिली है और घटनास्थल सुरक्षित लेकर तुरंत हम डेड बॉडी का पंचायतनामा करने के लिए पीएम करने के लिए हॉस्पिटल के लिए भिजवा दिया और साथ साथ फील्ड यूनिट का टीम को सबको बुलाया। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट दोनों आया और डॉग स्क्वाड अभी ट्रैक कर रहा है, ट्रैकिंग डॉग ट्रैक कर रहा है। कुछ घटनास्थल पर कुछ मजबूत एविडेंस वगैरह मिले, उसके आधार पर ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रहा है और साथ साथ मैंने टीम गठित किया है एडिशनल एसपी वेस्ट और सीईओ अचनेरा का नेतृत्व में। इस केस को जल्दी से जल्दी केस खुलासा करने के लिए टीम गठित कर दिया। हम लोग जल्दी से जल्दी केस खुलासा करके जो दोषी है उसके बाद जल्दी से जल्दी उसका पकड़ के उसका सजा दिलवाएँ।